THU सबसे अलग। नमस्कार दोस्तों, VH News देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत। VH News में एक बार फिर से कोरोना वायरस का जिक्र हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से हर कोई खौफजदा है। चलिए हम बारी बारी से आपको दुनिया के ताकतवर लोगों के डर को, खौफ को, उनके कंपन को आप तक पहुंचाते हैं कि कोरोना वायरस से वो किस तरीके से कांप रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत ट्रंप से ही करते हैं, क्योंकि दिग्गज नेता हैं दुनिया के, बहुत ताकत है उनमें। दरअसल कुछ दिन पहले का जिक्र अगर करें तो डोनाल्ड ट्रंप के पास मिलने के लिए व्हाइट हाउस पर आयरलैंड के पीएम पहुंचे थे, और उनसे जब मुलाकात की तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, उनको नमस्ते किया। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको हंसी भी आ रही होगी, और हंसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए नमस्ते करना कितना जरूरी हो चला है दुनिया के लोगों के सामने। ब्रिटेन के शाही परिवार के दिग्गज का जिक्र करते हैं तो प्रिंस चार्ल्स का नाम सामने आता है। वो मौत से डरे सहमे इस कदर हैं कि महाराज। इन सबके बीच एक और वीडियो आपको दिखा दें, इसराइल के पीएम की है, यानी कि नेतन्याहू की है, और उन्होंने खुद अपने देश की आवाम से अपील की कि आप लोग नमस्ते की आदत डाल दें कोरोना वायरस से बचने के लिए। खैर, ये वीडियो हमने दिखाई आपको दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं की, लेकिन कुछ दिन पहले खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि तमाम लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, आप लोग भी अपनाएं, वापस अपनी सभ्यता में आएं। इसलिए हाथ जोड़ने का ही जिक्र उन्होंने किया कि इसका साइंटिफिक भी फर्क पड़ता है, मस्तिष्क आपका तेज होता है, शांति मिलती है आपको, इसका साइंटिफिक ये फायदे हैं, यानी कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, तभी इन सारी चीजों को अब समझा जा रहा है। यानी कि शास्त्र सब जानता है, और शास्त्र के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो दिक्कत नहीं। आपको खैर हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमको लाइक करें, इस वीडियो को लेकर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वाकई में आपको कुछ ज्ञान मिला है तो जरूर इसको